नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज के इस वीडियो में लिखी हूँ ये डिज़ाइन। ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 5 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी। एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एच स्टिच। एच स्टिच मतलब सिलाई का फंदा, एक एक दोनों तरफ। तो इसके हिसाब से मैंने जो है इसमें 23 फंदे डाल रखे हैं। 23 फंदे मतलब कि 5-5 के हिसाब से 20 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे जो हैं वो एच स्टिच या सिलाई के फंदे। तो अब हम अपना ये जो है शुरू करते हैं। पहली सिलाई जो है हमारी सारी प्लेन होगी, सीधी सिलाई बुनेंगे पूरी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारी सिलाई जो है हमारी सीधी बुनेंगे, बिल्कुल सीधी। पूरी सिलाई जो है हमारी वो हम सीधी बुनेंगे। दूसरी सिलाई सारी उल्टी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। पूरी सिलाई जो है हमारी उल्टी ही बुनी जाएगी। अगली सिलाई फिर पूरी जो है वो सीधी बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारी सिलाई सीधी। सारी सिलाई हमारी ये जो है वो सीधी जाएगी। मतलब अभी तक हम 2 सिलाई सीधी और 1 सिलाई हमने उल्टी डाली। अब ये बुनने के बाद अब जो है हमने अगली सिलाई उल्टी नहीं बुननी। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारी सिलाई जो है हमारी वो सीधी बुनी जाएगी इस तरह से। पूरी सिलाई जो है हमारी ये वाली सीधी आएगी। मतलब कि जो हमारा सीधी तरफ है, हमें ये पर्ल चाहिए, तो हम जब एक सिलाई सीधी बुनने के बाद अब यहाँ पे उल्टी सिलाई नहीं बुनेंगे, उल्टी तरफ से हम पूरी सिलाई जो है हमारी वो सीधी बुनी जाएगी इस तरह से। ये आप कह सकते हो कि हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है। यहाँ से जो है हमारा डिज़ाइन शुरू हो चुका है। अब अगली सिलाई में पहला फंदा जो है हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। एक फंदा सीधा बुनने के बाद ऊन को अपनी तरफ करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे। मतलब यहाँ पे हमें एक जाली मिलेगी और एक हमने फंदा बढ़ाया। अब फिर ऊन को अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा। अब जो अगला फंदा है ये, इसको हम जब बुनेंगे तो हमने सिलाई के ऊपर 2 बार इस तरह से ऊन को लपेटना है। मतलब ये फंदा हमें लंबा चाहिए। मैं एक बार फिर बताती हूँ, इसमें हम ऊन को नॉर्मली तो हम एक बार लपेटते हैं बुनने के लिए, यहाँ पे हम बुनने के लिए 2 बार लपेटेंगे इस तरह से। और ये जो है हमने जो लॉन्ग फंदा है, लंबा फंदा है, हमें 5 चाहिए। ये हुआ हमारा एक फंदा लंबा। यहाँ पे फिर ये 2 बार करेंगे, लपेटेंगे उनको 2। ये तीसरा फंदा, यहाँ पे भी उनको 2 बार लपेटेंगे 3। ये हुआ हमारा चौथा फंदा और ये हुआ हमारा 5वां फंदा। तो ये हो गए हमारे, हमने जो 5 फंदे बुने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो हैं हमने लंबे फंदे, लॉन्ग फंदे बुने हैं, उनको 2 बार लपेट के।
अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा बुना। यहाँ पे जो है हम पांच फंदे जो हैं हमने ऊन को अपनी तरफ करके बुनने हैं, मतलब पांच फंदे बुनने हैं। तो यहाँ पे हमने जो ऊन लपेट के फंदे बुने हैं, एक दो तीन और चार, हमने यहाँ पे चार जाली बनाई है और चार ही फंदे बढ़ाए हैं। अब यहाँ पे फिर जो है दो बार लपेट के लंबा फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। अब फिर एक फंदा बनाया, सीधा बुना, ऊन को अपनी तरफ किया, एक फंदा बुना, ऊन को अपनी तरफ किया और ये एक फंदा सीधा, लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। मतलब कि यहाँ पे साइडों पे हमारे ये दो फंदे, तीन फंदे हैं, तीन फंदों के हमारे पांच फंदे हो जाएंगे। यहाँ दो जाली आएंगी और दो हमारे फंदे बड़े हुए आएंगे। जैसे यहाँ पे ये जो है एक दो तीन और ये चार, ये चार जाली, मतलब पांच फंदे थे, चार हमने फंदे बढ़ाए तो यहाँ पे नौ हो जाएंगे। और ये जो है पांच फंदे, ये हमारे जो है लॉन्ग स्टिच के साथ जो है हमने डबल वाले बुने हैं। साइडों पे हमारे हमने दो दो फंदे बढ़ाए हैं और ये हमारी दो दो जाली आएंगी। अब आगे हम इसकी उल्टी सिलाई पे, उल्टी सिलाई में पहला फंदा जो है हमारा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद ऊन को आगे करके अगली सिलाई हमारी सारी उल्टी तरफ से सीधी ही जाएगी, एक दो तीन चार और ये पांच। स्टार्टिंग में ये फंदे जो थे हमारे वो तीन थे, लेकिन हमने पिछली सिलाई में बढ़ाए थे तो ये हो गए पांच। अब ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों को खोलेंगे इस तरह से, पर हमें इनको बुनना नहीं है। दो तीन चार और ये पांच, ये जो है ये पांच फंदे हमने खोले हैं पर हम इनको बुनेंगे नहीं। अब फिर उनको आगे किया और जो ये फंदे बीच वाले हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। अब ये हमारे पास नौ फंदे हैं जिनको हम सीधा बुन रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ। अब फिर उनको अपनी तरफ किया, ये जो पांच डबल वाले जो दो बार ऊन लपेट के हमने लंबे फंदे बनाए थे, अब इनको हम खोलेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। अब इनको हमने जो फंदे ये लंबे खोले हैं इनको बुनना नहीं है। उनको फिर आगे किया और ये साइडों पे हमारे जो है पांच पांच फंदे सीधे हैं तो पांच बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा। अब ये है हमारे डिज़ाइन की आखिरी सिलाई। अब आप देखोगे कि ये भी उल्टा है, ये ऊपर वाला भी उल्टा है और बीच में जो है ये जाली वाला हमारा डिज़ाइन है। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद अब ये जो हमारे पांच लंबे फंदे हैं, एक दो तीन चार और पांच, अब इनको हम यहाँ से सीधा बुनेंगे इस तरह से,
इस तरह से लेते हुए ये पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे ऐसे। अब फिर बीच वाले जो फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ, नौ फंदे सीधे। अब फिर ये जो हमारे पांच फंदे हैं इनको हम इस तरह से लेते हुए ऐसे पांच फंदे सीधे इकट्ठे बुनेंगे, मतलब कि हमने जो बीच में चार फंदे बढ़ाए थे दो दो साइड पे बढ़ाए थे, बीच वाले चार में से दो फंदे हमारे इस तरफ आ गए, दो फंदे इस तरफ आ गए, तो जो है और जब ये पांच का एक किया हमने तो दो ये वाले जो हैं वो बराबर हो गए और दो ये वाले जितने फंदे हमने बढ़ाए थे उतने फंदे हमारे यहाँ पे इक्वल हो गए, घट गए। ये साइड पे फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये फंदा सीधा एच डी। अब यहाँ पे जब अगर हम यहाँ काउंट करते तो यहाँ पे हमारे फंदे जो थे वो जितने हमने डाले उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन जब हमने ये डिज़ाइन वाली सिलाई पूरी कर ली तो यहाँ पे हमारे फंदे उतने हो जाएंगे जितने हमने डाले हैं। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी जाएगी, पूरी सिलाई जो है हमारी हम उल्टी बुनेंगे। पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी जाएगी। अगली सिलाई पूरी सीधी। अब फिर उल्टी सिलाई, सारी सिलाई उल्टी। सिलाई हमारी उल्टी, मतलब ये अब हमारी एक सीधी और दो उल्टी हो चुकी है। अब अगली सिलाई पूरी सीधी। सारी सिलाई हमारी इसी तरह से सीधी जाएगी। ये सिलाई पूरी सीधी बुनने के बाद अब यहां से जो है हमारी डिजाइन की सिलाई हम दोबारा शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और यहाँ से हम जो है सीधी सिलाई शुरू करेंगे, मतलब कि बीच में दो सिलाई सीधी और दो सिलाई उल्टी आने के बाद जो है हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो है दोहराते हुए हम अपना डिज़ाइन पूरा करेंगे। ये जो बीच में हम फंदे ये बढ़ा रहे हैं ये घटा रहे हैं, इससे ये थोड़ा सा अगर आप नीचे देखोगे तो ये थोड़ा सा कट वाला डिज़ाइन बनेगा। ये जो डिज़ाइन है बच्चों के स्वेटर के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा डिजाइन होगा। तो इसी को दोहराते हुए हम अपना डिजाइन पूरा करेंगे।